नमस्ते हबीबी। जब आप दुबई के बारे में सोचते हैं या फिर सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? एक तो पूरा रेगिस्तान या फिर सबसे बड़ी बड़ी इमारतें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे पूरी ग्रीनरी है और जो जो एनिमल्स है वो सारे एनिमल, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, चीता हो गया, या फिर जितने भी बहुत यूनिक स्पेसीज है, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम जाने वाले हैं दुबई सफारी पार्क। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एनिमल है और उनको नेचुरल इनहैबिटेट में कैसे रखा गया है। तो आज का वीडियो होने वाला एकदम शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और सीधा जाते हैं दुबई सफारी पार्क। दुबई सफारी पार्क ये बहुत ही बड़ा पार्क है और ये जो पार्क है ये दुबई के वर्सान एरिया में है। आपके पास अगर गाड़ी है तो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो, नहीं तो आप मेट्रो से जाना चाहते हो तो रशीदिया मेट्रो स्टेशन से आप जा सकते हो। ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि हम इसमें आपको हर चीज़ बताएंगे कि किस टाइमिंग पे जाना चाहिए, आपको टिकट कौन सा लेना चाहिए और वहाँ पे प्लान कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो अभी टिकट की बात करें तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन जब आप टिकट बुक करोगे तब आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें सफारी जर्नी पैकेज जो है वो लेना है, क्योंकि उस पैकेज में आपको एक बस में बिठाया जाएगा और वहाँ से आपको पूरा सफारी घुमाया जाएगा। अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोरर विलेज में क्योंकि 11 बजे वहाँ पे एक बर्ड शो होता है, तो वो शो हमें मिस नहीं करना है। तो अभी हम जाते हैं एक्सप्लोरर विलेज में और देखते हैं वहाँ पे बर्ड शो और बाकी क्या क्या चीज़ें। चलो मेरे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोरर विलेज में। एक्सप्लोरर विलेज सबसे मेन विलेज है, यहाँ पे 11 बजे जो शो होता है वो बहुत ही अच्छा बर्ड शो होता है, वो शो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी हम एक बर्ड शो में आए हैं, यहाँ पे एक पंछी था, उन्होंने मुझे भी सिलेक्ट किया कि 3 कंटेस्टेंट को उन्होंने बुलाया और उन्होंने हमें स्टेज के ऊपर खड़ा रहने के लिए बोला। उसके बाद एक पंछी था वो हमारे हाथ के ऊपर से एक साइड से दूसरे साइड पे चला गया। देखो अभी वो फिर से जाएगा। ओके, अभी ये फिर से वहाँ पे जाएगा। देखो अभी गौर से देखो। ओके, अभी ये हमारे हाथ के ऊपर से क्रॉस करके जा रहे हैं। वो मेरे पास आके थोड़ी देर रुका। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने हमें बहुत अलग अलग बर्ड्स दिखाए और उनका शो भी था, जैसे कि ये पैरेट है, ये ब्लैक पैरेट और वाइट पैरेट, और ये बर्ड्स इतने अच्छे से ट्रेन है कि उनको कोई रस्सी से बांधा नहीं है या फिर बाहर जाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो बर्ड्स कहीं मतलब ये एरिया छोड़ के नहीं जाते। उसके बाद ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, एक जो कौवा होता है उसको उन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया है कि उसको अगर कुछ कचरा दिखेगा तो वो कचरा उठा के उसको कचरे के बॉक्स में डालेगा। सो ये भी बहुत अच्छे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि कौवा बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि उसको भी इन्होंने ट्रेन किया है कि कचरा उठाने के लिए, तो वाह भाई। इसके बाद ये हॉर्नबिल है, ये अभी ये अपनी कसरत करके दिखाएगा। देखो मैंने इनका एक देखा कि ये उनको ना कुछ खाने का लालच देते, अभी देखो उसको खिलाया, अब उसको जब छोड़ेंगे तो दूसरी जगह पर जाएगा। तो इनको ट्रेन किया है और आप देखोगे साइड में पूरा ओपन स्काई है, मतलब अगर वो बर्ड चाहे तो वो सीधा भाग के या फिर उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि उन्होंने उस तरीके से इनको ट्रेन किया है। और ये जो लास्ट सेक्शन था इसमें इन्होंने जितने भी उनके पास बर्ड्स थे जिनको ट्रेन किया वो सारे बर्ड्स आए, ये कबूतर भी आए, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था। तो ओवरऑल ये जो शो है 11 बजे का शो, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए, और आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये शो एकदम अमेजिंग है। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो हमने आपको बताया कि सफारी जर्नी पैकेज। तो एक बस रहती है, ये बस के अंदर हमें बिठाया जाता है और पूरे सफारी में जो लगभग 40 मिनट्स के आसपास होते हैं वहाँ पे घुमाया जाता है। वहाँ पे आपको सारे एनिमल्स एकदम क्लोज से दिखेंगे, जैसे अभी ये अपना जिराफ है, जिराफ देखो एकदम क्लोजली, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। जिराफ है, उसके साथ ये नील गाय भी है, आगे आगे हम देखेंगे बहुत ही वाइल्ड एनिमल जो है उनको भी हम एकदम पास से देखेंगे, और वो उनके लिए भी सेफ़ है क्योंकि देखो उनको अगर केज में रखते हैं तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनको भी ओपन में रखेंगे उनके लिए भी सही है। तो अभी ये एक एनिमल था, ये भी बहुत ही सुंदर एनिमल था, इसके आप सिंग देखोगे ये भी बहुत अच्छे थे।
आप जो सामने बस देख रहे हैं ऐसी ही बस हमारी है, जो आप सामने अभी बस देख रहे हो सेम बस हमारी भी है। तो यहाँ पे ऐसे बस जो होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको जो सफारी जर्नी पैकेज है वो लेना है, उसका और इसके प्राइस में 10 दिरहम का डिफरेंस है, दैट इज़ ओनली 200 इंडियन रुपीज़, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अगर ये आप नहीं लोगे, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ये आप मिस कर दोगे। ये ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा के बारे में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि ज़ेब्रा जो है उसका ओरिजिनल कलर जो होता है ब्लैक होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते थे वैसे वैसे उनके ऊपर वाइट स्ट्रिप आते हैं। ये मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली। उनके साथ एक उनका टूर गाइड भी रहता है, वो आपको हर एनिमल के बारे में इंग्लिश में बताता है। तो हमारे साथ एक अरबिक फैमिली भी थी, तो इसलिए वो इंग्लिश और अरबिक दोनों लैंग्वेज में बता रहे थे। यह है शतुरमुर्ग, जिसको हम मराठी में शाहमुर्ग बोलते हैं, ये पंछी है। अभी आप इसमें से बता सकते हो क्या कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है? ये है जंगल का राजा, मस्त सोया हुआ है, उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। मैंने जो टूरिस्ट गाइड था उसको पूछा कि ये लोग शिकार करते हैं क्या, या इनको खाना क्या देते हो आप? तो ये बोलते हैं कि इनका एक टाइमिंग होता है, वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे आके इनको खाना दिया जाता है, मतलब जो चिकन होता है कुछ भी होता है वो उनको डायरेक्टली दिया जाता है। तो इनको ऐसा मतलब शिकार करने की ज़रूरत नहीं, ये भी इसलिए एकदम रेस्ट में बैठे, टेंशन नहीं है, ज़िंदगी में खुश है। ये जो एक सिंगी राइनो होता है वो है, ये नाइल रिवर की क्रोकोडाइल है। नाइल रिवर की क्रोकोडाइल जो होती है वो स्वीट वाटर क्रोकोडाइल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये क्रोकोडाइल, अभी हमारी जो गाड़ी है ये लेक के बीचों बीच इन्होंने एक छोटा सा रास्ता बनाया है और वो रास्ते पे हम जा रहे हैं और साइड में हम इन क्रोकोडाइल को भी देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे उसी टाइम पे ये जो एनिमल्स होते हैं उनका फीडिंग का टाइम था। तो आप वहाँ पे दो लोग जो देख रहे हो वो अभी देखो, अभी वो फूड डालेंगे, उसके बाद जो सारे जो ये है एनिमल्स, जैसे हरिन हो गया या फिर ब्लैक बग हो गया, ये सब आएंगे और वो उसके लिए खाने के लिए जाएंगे। अभी एग्जैक्टली क्या खाना खिलाते हैं हमें भी नहीं पता। तो मतलब आप देख रहे हो ना कि एकदम जो नेचुरल इनहैबिटेट रहता है वैसे ही उनको रखा गया है। ये भी देखो, ये यहाँ पे अभी वो खाना खा रहे हैं। अभी मैं आपको एक मछली दिखा रहा हूँ, ये जो आपको एक ब्लैक और व्हाइट कलर का एनिमल दिख रहा है, ये एनिमल कौन सा है बताओ? ये एनिमल वही एनिमल है जो सलमान खान थोड़ा सा प्रॉब्लम में लाया था। अभी हम आ चुके हैं एकदम जो मेरा फेवरेट पार्ट है वहाँ पे, ये देखो टाइगर, इतने क्लोज से टाइगर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वाओ कितना ब्यूटीफुल एनिमल है ये, और एकदम चिल है, उसको कुछ टेंशन नहीं है, मस्त वो जैसे आप बीच पे जो सनबाथिंग के लिए बैठते हैं वैसे ही एकदम आराम से बैठा है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम ये मूवमेंट का मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। एक्चुअली मुझे टाइगर को हाथ भी लगाने की बहुत इच्छा है, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। मे बी एक 2 मीटर या 3 मीटर डिस्टेंस होगा मैक्स टू मैक्स, और इतने करीब से आप टाइगर को देख सकते हो, वो भी खुले में। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी पिंजरे में रखा है या ऐसा है, ये एकदम खुले में है और उसको आप इतने क्लोजली देख सकते हो। तो यहीं पे पूरा पैसा वसूल हो गया हमारा। और यहाँ पे कुछ छोटे एनिमल्स थे, ये एनिमल कौन से है मुझे भी नहीं पता, और ऐसे बहुत सारे एनिमल थे। हर चीज़ या हर एनिमल को हमने इसमें कवर नहीं किया है, लेकिन जो जो हमने एकदम पास से देखे वो एनिमल हमने कवर किए। ये है अपना चीता, चीता भी एकदम मस्त आराम से बैठा हुआ है, और ये भी एकदम पास से दिखा है। तो ओवरऑल ये जो सफारी जर्नी है
ये इस सफारी पार्क की हाईलाइट है, तो ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे गए थे, कुछ दोस्त जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, उन्होंने ये मिस कर दिया। ओके, तो इसलिए ये मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मिस मत करो। चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट के लिए जाते हैं गाइज। अभी हम जा रहे हैं ये एशियन विलेज के अंदर, डेजर्ट सफारी का भी एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वैसे तो डेजर्ट सफारी हमने बहुत बार की है, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस हम देखना चाहते हैं कि ये कैसा है, तो चलिए मेरे साथ। तो ऐसी एक ये दूसरी सफारी है, ये डेजर्ट सफारी है। इसमें ऐसी एक ओपन ट्रेन जैसी रहती है, इसके अंदर हमें बैठना है। ये पूरा इंक्लूडेड है। ओके, और उसके बाद ये जो है ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला है, इनका एक एनिमल है। और ये जो डेजर्ट सफारी वाला ऑप्शन है, ये बनाने के लिए इनको बहुत ईजी है। क्योंकि पूरे दुबई में ओरिजिनली सब ऐसा ही क्लाइमेट है, मतलब पूरी रेती मिट्टी या रेती बोलते हैं वो यहाँ पे है, और उसके उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ थोड़े पेड़ लगाए हैं। अभी हम जा रहे हैं एशियन विलेज में। एशियन विलेज में एशिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो भी दिखाएंगे, और वहाँ पे एक बजे के आसपास एक शो होता है, अमेजिंग क्रिएचर्स शो, तो वो शो भी देखेंगे। तो चलो मेरे साथ। यहाँ पे एक चिंपांजी है, इसको भी खुले में छोड़ा था, ये भी मस्त वहाँ पे पेड़ पे लटक रहा था, कुछ अलग अलग आवाज भी निकाल रहा था। तो लेकिन ये थोड़ा दूर था, तो उसको अच्छे से हम मतलब क्या बोलते एकदम क्लोजली नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी आप उसको भी देख सकते हैं। और भी यहाँ पे एशियन विलेज में कुछ अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। अभी इसके बाद हम जाएंगे शो देखने के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे एशियन में अमेजिंग क्रिएटर करके एक शो होता है। अभी देखो ये बर्ड को, अगेन यहाँ पे बर्ड है, उसको उन्होंने ट्रेन किया है कि ये बर्ड जाके जो अपना गार्बेज होता है उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग बॉक्स में रखेगा। इसके बाद ये भी एक एनिमल है, इसको भी इन्होंने ट्रेन किया है, ये फॉलो करता है रोड, और इसको भी एकदम पास से देख सकते हो। आप थोड़ा जल्दी जाओगे तो आप फ्रंट सीट पकड़ सकते हो, तो वहाँ से एनिमल एकदम क्लोजली दिख सकता है। और इनके जो गाइड है वो भी इस एनिमल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये इसकी कौन से प्रजाति से है, इसका खाना क्या है, इसका नेचर के लिए क्या हेल्प है, अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिस अगर डिस्टिंक्ट होने वाली है तो उसके बारे में भी ये अपन हमें एजुकेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं जो किड्स फार्म है, तो यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बच्चे है तो इनके लिए ये बेस्ट प्लेस है, तो ये आप मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, उसको आपके बच्चे कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हम देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा है, तो चलो मेरे साथ। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उनको आप अपने हाथों से खिला सकते हो, पैरेट से उसके साथ आप खेल सकते हो, या फिर छोटी भेड़ बकरी है उनके साथ भी आप खेल सकते हो। अभी मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा ये बर्ड, मैं थोड़ा सा डर रहा था ऐसा कुछ कर विल ना दे, क्योंकि पता नहीं ये बर्ड्स का कभी क्या मूड होता है। दोस्तों आपने देखा कि ये दुबई का सफारी पार्क कितना अच्छा था, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, और जो सफारी जर्नी थी दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट, तो वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो आपको अगर मिस नहीं करने तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे थे नमस्ते हबीबी।